नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शब्द रचना के तत्व। उसमें सम्मिलित हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अन्य। तो चलिए जानते हैं उपसर्ग के बारे में। तो दोस्तों, उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के आदि में या फिर शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अ उपसर्ग से बने शब्द, अनाथ। इसमें अ उपसर्ग है और नाथ शब्द है। अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। इसी तरह से अति उपसर्ग से बने शब्द, अतिक्रम, अतिकाल, अतिवृष्टि। अप यह उपसर्ग है और इससे बने शब्द हैं अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द। अनु उपसर्ग से बने शब्द अनुपस्थित, अनुराग, अनुरूप इत्यादि। अधि इससे बने शब्द अधिकार, अभिमान, अधिपति इत्यादि। ना नालायक, ना समझ। दुर दुर्गम, दुर्लभ इत्यादि। कु कुख्यात, कुकर्मी। अभि उपसर्ग से बने शब्द अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिजात, अभिलाषा इत्यादि। आ उपसर्ग से बने शब्द आलेख, आकर्षक, आकर्षण, आक्रमण, आरंभ, आजीवन इत्यादि। उपसर्ग से बने शब्द उपस्थिति, उपस्थित, उपसंहार इत्यादि। निर उपसर्ग से बने शब्द निरअपराध, निर्भय, निर्वाह, निराभिमान, निराकार इत्यादि। परा उपसर्ग से बने शब्द पराजय, पराभाव इत्यादि। प्रति उपसर्ग से बने शब्द प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि इत्यादि। परि उपसर्ग से बने शब्द परिजन, परिणाम, परिमाण, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन, परिक्रमा इत्यादि। वि उपसर्ग से बने शब्द विराग, विकार, विकास, विज्ञान, विहार, विजय इत्यादि। स्व उपसर्ग से बने शब्द सपूत, सहृदय, सकारण, समान इत्यादि। सु उपसर्ग से बने शब्द सुवास, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुमार्ग, सुडौल, सुपात्र इत्यादि। अन उपसर्ग से बने शब्द अनजान, अनमोल, अनुसुना इत्यादि। सहचर, सहपाठी, सहमत, ये सभी शब्द सह उपसर्ग से बने हैं। अविकार अवि उपसर्ग से बना है। ठीक उसी प्रकार सहानुभूति सहा उपसर्ग से बना है। प्रभाव प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार इत्यादि, ये शब्द प्र उपसर्ग से मिलकर बने हैं। अधमरा, अधकचरा, अधकच्चा इत्यादि, इस तरीके के जो शब्द हैं वह अध उपसर्ग से मिलकर बने हैं। बेफिक्र, बेजान, बेरहम इत्यादि शब्द जो हैं ये सभी बे उपसर्ग से बने हैं। अव उपसर्ग से बने शब्द अवतार, अवशान, अवनति, अवगुण इत्यादि शब्द। तो दोस्तों, आज हमने जाना उपसर्ग के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके आगे प्रत्यय को अगली वीडियो में। जय हिंद।